Very good morning. Today we are just going to solve number of numerical regarding your chapter electricity from your physics part. So now I'm going to start your question number 8 from the NCERT exercise. So what is given here? When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor. Okay. तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक अननोन रजिस्टर ले लिया. देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ. दिस इज द अननोन रजिस्टर जिसका नाम हमने क्या ले लिया, आर ले लिया बेटा. ओके, इसको हमने किससे कनेक्ट किया बेटा, इसको हमने कनेक्ट किया 12 वोल्ट की बैटरी से. तो मैंने बैटरी का सिंबल बनाया, सेल का सिंबल नहीं बनाया. देखिए यहाँ से दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज 12 वोल्ट. ओके, इसमें से करंट आपका जो कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है बेटा, 2.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर. ओके, तो हमें निकालना क्या बेटा, यहाँ पर हमें निकालना है आर. तो व्हाट इज गिवन हेयर, हेयर V इज इक्वल टू दिया आपको 12 वोल्ट. I कितना दिया बेटा, I दिया आपका 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर, मिली एम्पियर है बेटा. मिली एम्पियर को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझिए बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में, समझ रहे किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया बेटा, एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब एज पर योर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप सभी ने पढ़ा बेटा, पढ़ा ना ओम्स लॉ, क्या था, क्या होता है उसका फार्मूला, V इज इक्वल टू आई आर. ये क्या चीज है आपका, ओम्स लॉ है. ठीक है, डेट इज ओम्स लॉ. तो यहां से हमें आर किसके बराबर होगा, वी डिवाइड बाय आई. वी क्या है आपका, 12 वोल्ट है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. क्लियर, तो किसके बराबर आएगा देखिए, 12. अब सोल्व करने का तरीका भी आपको आना चाहिए. मैंने लिखा 25 बाय 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो यहां से कितना आएगा, 12 डिवाइड बाय 25. अब देखिए यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये जो 10 है बेटा ये माइनस का है, सॉरी नीचे प्लस का है, ऊपर जाके क्या होगा माइनस का, यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो यहां पर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 4. क्लियर, अब यहां तक करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूं, 12 डिवाइड बाय 25 आंसर इज, आंसर आएगा आपका 0.48 इंटू 10 रेज टू पावर 4. क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया. अब इसको भी आगे सोल्व करते हैं, यहां पर कितना आएगा, 48 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 रेज टू पावर 4. ठीक, अब इस 10 रेज टू पावर 4 को बेटा क्या कर सकते हैं, दो जीरो आपकी कैंसिल हो जाती हैं. ठीक, अब आपका जो आंसर है बेटा वो आंसर किसके भी कितना आया देखा जाए तो हमारा आया 4800 ओम. ठीक है, 4800 ओम, ये भी सही है. अगर आपको बुक से मैच करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान से देखिएगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर हमारा जो होता है बेटा बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगर हम निकालें 0 से 9 के बीच में होता है. तो हमें क्या करना है, हम करेंगे 4800 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आएगा आपका, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, डेट इज इक्वल टू 48 किलो ओहम. 1000 का मतलब क्या होता है बेटा, किलो ओहम. ओके, थैंक यू वेरी मच.